अभी हमने लो लाइट में सेट किया कैमरे को और नहीं नहीं ये सब बताने की जरूरत नहीं, लो ये सब नहीं हो रहा यहाँ पे, ठीक है, ये वो नहीं, ये तेरा चैनल नहीं है, ठीक है, ये सब लो लाइट में सेट किया कैमरा को, लो लाइट में कुछ सेट नहीं किया कैमरा का, कैमरा वही है जो पहले था, बस लाइट जलाई है यहाँ पे। तो मैं लिफ्ट से निकल चुका हूँ, वहाँ मेरा दोस्त है, उसने नया घर लिया है यहाँ पे और आज उनके घर में कुछ शानदार व्यंजन बन रहे हैं जिसका लुत्फ उठाने के लिए मैं उनके घर आया हूँ। और ये जो वीडियो है मैं पहली बार गोप्रो में शूट कर रहा हूँ और काफ़ी हैंडी है यार ये। और पीछे लोग बात कर रहे हैं यार, उनको ये चीज़ की तमीज़ नहीं है कि कोई बंदा व्लॉग शूट कर रहा है, ये बदतमीजी वाली हरकत ना करें। ओह सो मैं घर के अंदर आ चुका हूँ, काफ़ी बढ़िया स्वागत, नोबडी गिव्स अ फक अबाउट मी इन दिस हाउस मैन। आगे आगे मेरे भाई, yeah, this is Nishchay Khurana, my bestest को वोट नहीं होता ना, वैसे best friend, and ये बहुत बढ़िया खाना बनाता है, दुनिया का सबसे बढ़िया मांसाहारी खाना ये बंदा बनाता है, पूरी दुनिया का, मैंने नहीं खाया इससे बेटर कहीं पे भी। जो 100-150 साल की ऑथेंटिक दुकानें हैं उनको अपनी जला के राख कर देनी चाहिए, क्योंकि ये बंदा पेताज बादशाह है नॉनवेज खाने का। तो ये भाई या आज कौन सा व्यंजन बनाया जा रहा है दोस्त? भाई ये मैं बना रहा हूँ अचारी मटन। अचारी मटन, यस, इसमें मैंने अभी अभी चला इसको, इसलिए रहूं सब रेडी हो गया, बस एकदम दही डाला है अभी। अच्छा। ताकि ना दही अच्छे से सेटल हो जाए, नहीं तो वो फट जाएगा उसमें, तो बस थोड़ा दही ऑलरेडी फटा हुआ नहीं होता? अरे नहीं यार, मतलब खराब हो जाएगा इसमें, ग्रेवी अच्छी। अच्छा, इसको बनाने में कितना समय लेते हो मेरे दोस्त? वैसे एक घंटा लगता है, बट अब ऑलरेडी हाफ एन आवर से कर रहा हूँ, तो अभी ये लगा ले कि 30 मिनट में रेडी, और 30 मिनट में रेडी हो जाएगा, बहुत बढ़िया। अभी जो दंपत्ति है जो यहाँ पे रहती है, हम उनसे मिलाने के लिए आपको आए हैं। हाँ ये रही, अरे आप यहाँ से व्यू देखिए यार, क्या बढ़िया व्यू है, क्या बढ़िया व्यू है यार, मतलब है तो बिल्डिंग है और लाइटें चल रही हैं उनमें, व्यू तो मतलब क्या ही है मतलब, लेकिन हाँ बढ़िया व्यू है। तो ये है दंपति जिन्होंने शादी करी, जो बिल्कुल डार्क दिख रहे हैं, अंदर आ जाओ यार, थोड़ा ब्लॉग शूट हो रहा है यार, मजाक नहीं चल रहा है यहाँ पे, प्रोफेशनल चीज़ें हैं यार ये, अभी आए हैं यार, 72 व्यूज़ आए हैं, आ जा आ जा, कुछ नहीं आता, एकदम बर्ड आई व्यू। ओहो यार, ये मेरा सबसे हैंडसम दोस्त है, मतलब मैं इसको टॉप 10 में रखता हूँ, दोस्त मेरे 8 ही हैं। खैर ये रश्मि है, ये इसकी वाइफ है, ये जीतू है, जाओ 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 जाओ। तो जीतू आपकी अभी अभी शादी हुई है, जीवन में क्या बदलाव आया? जीवन में कुछ बदलाव नहीं आया, और सच बोलना, सच बोलना, आँखों में झूठ दिख रहा है तेरे, कुछ नहीं वैसा ही था पहले, गेट बंद किया मैंने, वैसे कुछ फर्क नहीं था, क्योंकि पहले थोड़ा लिव इन में रहे तो पलंग बहुत बढ़िया लिया तूने यार, कितने का पड़ा ये बिस्तर तुझे? ये पड़ा 35,000 का। सच बता दीजिए, सच सच मतलब उसमें 50% डिस्काउंट था तो 17 का 17,000 रुपए का बेड है यार ये, वाओ, डिस्काउंट के मतलब बहुत बार्गेनिंग करनी पड़ी इसके लिए। हाँ हाँ, तो कर ली थी अच्छी और अच्छा मिल गया। नहीं बहुत बढ़िया बेड है यार ये तो, बस होम डिलीवरी के पैसे ज्यादा मारे। इसमें बैठ के दिखाइए कैसा लगता है तू बैठा हुआ? इसमें बैठ के बहुत अच्छा लगता है, मजा आते हैं एकदम, मांसाहारी खाना बनाता है, जिसको भी खाना खाने में इंटरेस्टेड भाई होम डिलीवरी मतलब घर पे आके बना के जाता है, क्या चार्ज लेता है? उस दिन तो कह रहा है 250 करता है, बताना। तो अभी हमने लो लाइट में सेट किया कैमरे को, और नहीं ये सब बताने की जरूरत नहीं, लो ये सब नहीं हो रहा यहाँ पे, ठीक है, ये वो नहीं, ये तेरा चैनल नहीं है, ठीक है, ये सब लो लाइट में सेट किया कैमरा को, लो लाइट में कुछ सेट नहीं किया कैमरा का, कैमरा वही है जो पहले था, बस लाइट जलाई है यहाँ पे, क्या यार ये मतलब यार, लिमिट तक होती है चीज़ें यार। ये हमारा भाई, ये सबसे ज़्यादा जिंदगी जिएगा, ये दिन के 100-150 सुट्टे पीता है, एक बोतल दारू इसकी फिक्स है, और रोज मटन खाता है सुबह और शाम, दोपहर को ये है। मैं कुछ करता ही नहीं भाई, ये सब मेरी जनता को पता है, मैं सिर्फ ड्रग्स करता हूँ, हार्ड ड्रग्स। तो तूने वो ट्राई किया जो ब्रेकिंग बैड में हो रहा था, एमडी करेगा? तो देखो दोस्तों, वैसे हम जोक्स करते रहते हैं ऐसा कोई इलीगल काम नहीं करते, सिर्फ जोक्स। इन तीनों कॉलेज में साथ में, ये हमारे जूनियर था और तो सबसे सीनियर था हमारा, ये सीनियर था, तो इसने फिफ्थ सेमेस्टर में कॉलेज ड्रॉप कर दिया था निश्चय, और मैंने हमने कहा कि हम इसकी संगत में नहीं रहेंगे, तो हमने फोर्थ में ही छोड़ दिया।
घर काफ़ी बढ़िया लिया तुमने यार, बैल्कनी बहुत अच्छी है इसकी, काफ़ी स्पेस स्पेशियस, काफ़ी काफ़ी लंबी, काफ़ी चौड़ी। और ये मॉल है, 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 आगे तक 12 मॉल है, अब लेकिन बीच से जा नहीं सकते। हाँ ठीक है, नहीं वो मैं कर लूँगा, बीच बीच में छीन मत, ठीक है, ऐसा ही कुछ। निश्चित जीवन में क्या चल रहा है? बढ़िया, सिगरेट चल रही है। नहीं वैसे लाइफ में क्या चल रहा है? ये मटन भी बनना। नहीं वैसे लाइफ में क्या चल रहा है भाई, जवाब दे यार, ब्लॉग लंबा करना है यार, फिर वॉच टाइम नहीं आता, फिर वो मोनेटाइज नहीं से बता, थोड़ा सा बता। वैसे तो कुछ खास नहीं, काम धंधा। काम धंधा मतलब कैसा? मतलब लॉकडाउन के बाद कितनी परेशानियों का तुम्हें सामना करना पड़ा? बहुत ज़्यादा आ गया तो अपने मुद्दे पे, एंटी बीजेपी आदमी। नहीं लॉकडाउन तो यार बीजेपी ने थोड़ी करवाया था, मैं एंटी बीजेपी था यार, अब नहीं हुआ यार, अब मैं एंटी ह्यूमन रेस हूँ। मोदी रॉक्स, जो लोग नहीं जानते ये मेरा, ये पहाड़ों से है, पिथौरागढ़ जिला, पिथौरागढ़ गांव गंगोलियाड, गंगोलियाड गांव गंगोलियाड में भी तेरा दूसरा गांव है ना अंदर, गंगोलियाड में भी गांव है मेन गंगोलियाड। और भाई का वहाँ पे दूध का एम्पायर है, दूध का एम्पायर है, मतलब थोड़ा क्रीपी साउंड करना है, मतलब बेसिकली छोटे से गाँव की छोटी अमूल कंपनी। कितनी गायें हैं तुम्हारे पास? हमारे पास हैं 280। कितनी गाय? 280 हैं। एक तो दूध देना बंद कर दिया, उनको काउंट करना है। वैसे उनका किया क्या तुमने जो जिन्होंने देना बंद कर दिया? कुछ भाई उनकी एज हो गई है, बट उनकी सेवा भी जा रही है, ये तो बोलना पड़ता है ना यार। मुंबई में इतनी बड़ी बालकनी में एक 1 BHK निकल आता है, अब देखिए बालकनी का साइज। आगे और भी है क्या इसके अलावा? इधर है ना, इस साइड मुड़ के जा, इस साइड और भी है। ले खा ले भाई चिकन, वो सॉरी चीज़ कॉर्न नगेट्स हैं। चलो ब्रेक के बाद मिलते हैं। नहीं नहीं खाते खाते करूँगा यार, मैं ब्लॉग नहीं छोड़ूंगा। ऐसे मुंह के सामने ले जा, क्लोजअप आएगा चीज़ का। बालकनी इधर है ना बेटा, बहुत टेस्टी बनाया है। कैसे बनाया है? रश्मि ने बनाया है। ये वो तो नहीं फ्रोजन वाला? वही है, वही है। ठीक है, मतलब फ्राई कर दिया बेसिकली। यस, जो तुझे नहीं आता वो कर दिया इसने। ये देखिए बालकनी, अरे बाप रे ये तो बहुत लंबी है यार। मैं तेरा मटन कब तक बन जाएगा? वही आधा घंटा पहले तो कह रहा था भाई, आधा घंटे में बन जाएगा। तुम भी खाओ, ये मत करा कर यार, लेंस खराब कर देगा तुम। ले जल्दी खत्म कर। खैर तो रश्मि कैसा जा रहा है वैवाहिक जीवन? बहुत अच्छा। इतना देख एक लिमिट तक फेक बनते हैं ना यार। कैसा है मतलब, ठीक है ये? ठीक है, बहुत अच्छे है सामने, इसलिए क्या इससे समझ जाओ क्या बोलना चाह रहे हो। बहुत अच्छा क्या मतलब? अरे कहना क्या चाहते हो इसमें? हाँ। वाला वनी से बुट्टा लगा दियो ऐसे आते हुए। हाँ सब सबको फनी बनना है भाई ने, स्पिट ऐसे लिया यार, बताओ। हम कॉलेज के टाइम पे कंट्री करके कूलर लाया करते थे हर साल, और हर साल उसे सर्दियों में ख़राब कर दिया करते थे। तब स्टेट एक बार तो बोलेगा ये एसी मेरी तरफ कर दो थोड़ा, क्योंकि उसको कूलर की आदत है। ये तो एक बार तो 3-4 महीने में काफ़ी वजन कम किया था ना, जॉइंट बना दिया हैं। ये सब निश्चय नहीं बोलनी बात है यार, तू तो काफ़ी ओवर कर रहा है यार, मतलब कितना कितना एडिट करूँगा यार, मैं कितना एडिट करूँगा। जब हम ऐसे हैं वो कह रहा जॉइंट बना, ये कह रहा आम पापड़ खा ले। सबसे बढ़िया बात है जीतू के बारे में कि ये कोई भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजा लेता है, ऐसे किसी भी तरीके का म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट दे दो इसे बजाना आता है। तो भाई के पास अभी एक माउथ ऑर्गन है, वो भाई एक गाना सुनाएगा अपन को। कौन सा सुनाऊं बता, कोई भी सुना दे। ख्वाब हो या हो कोई हकीकत, कौन हो तुम बतलाओ। नहीं प्यार दीवाना होता है। तो ये ऐसा सुना देना जो सब्सक्राइबर मतलब उनको समझ में समझ में आए। मतलब
कॉलेज में काफी अच्छा मजा करता था, और ये थोड़ा छोटा भी है शायद, मे बी ये ब्लूज वाला है ना, इसमें ब्लूज ही बज सकता है। ब्लूज तो ब्लूज बजाना यार तू, क्या होता है ब्लूज? ब्लूज तो ब्लूज, ब्लूज बजाना आता नहीं देखो, जो तुझे आता है उसके लिए छोटा है। तूने गिफ्ट दिया रश्मि इसको? इसे 2011 में मोर पंख मिला था, ये 5-6 साल रखा था इसने। मैचस्टिक की डब्बी की कलेक्शन करता है ये? कौन सी अलग अलग लेता है? यहाँ तक पहुँच गया। शादी हो गई कहीं तो इज्जत छोड़ दे इसकी। मैचस्टिक की डब्बे की कलेक्शन कौन करता है यार? ये घटिया आदमी। कैमरा माचिस की डब्बी की कलेक्शन। इधर देखो सुनो, तो मैं थोड़ी देर के लिए ये व्लॉग हाईजैक कर रहा हूँ। देखो कुछ लोग कॉइन का कलेक्शन करते हैं, कोई लोग टिकट्स का करते हैं, तो मैंने माचिस की डिब्बी का किया, तो क्या गलत किया? बस ये इसके लिए तूने हाईजैक किया। अब कहाँ है, दिखा कलेक्शन, दिखा। मेहनत करनी पड़ी है, मेहनत ऐसी जगह कलेक्शन रख रहे हो, कोई प्यार ही नहीं उस कलेक्शन से, उसे अपने पास रख। क्या करे, हाँ दिखा कलेक्शन, लेके आ तुम यहीं पे रुक, ठीक है यहाँ। माचिस की डब्बी, माचिस से उसमें स्टिक्स नहीं बची है उसमें? ये मैं कितने 6 साल रहा हूँ इसके साथ यार, कभी मैंने देखा नहीं यार इस तरह का। 100 डब्बे है इसके पास, वाह देखने दो यार, 100 माचिस के डब्बे भाई भाई ने कलेक्ट कर रखे हैं यार। ये ऊपर का एक आता है, ठीक है, अगर इसे खरीद के एंड्रॉइड मनी भेजिए ना तो भी अच्छा ये है। अरे मुझे लगा कुछ क्लासी से होंगे, मतलब अलग अलग देशों के, अलग अलग दुनिया के कुछ होंगे यार। ये तो किसी पनवाड़ी की दुकान के नीचे डस्टबिन उठा ले, कलेक्शन डबल वही के वही मिल जाएगा। शिट, तो मतलब तूने ये कलेक्ट कर रखा है मतलब? अच्छा इधर कैमरा पास ले गया, ठीक है, ये तो कुछ भी बोलेगा, 200 रुपए गाड़ मारने के लिए। सारी इसमें देख, अलग अलग तरीके की बनारसी आशिक। अब बताओ बनारसी आशिक नाम की माचिस आती थी, कितने लोगों को पता है? मुझे तो पता क्यों है? पता करना है ये मतलब? हाँ ये भी बजाता हूँ। तो अभी ऑलमोस्ट तैयार हो गया है, बस 5-7 मिनट, इतने रोटियां जो हमने ऑर्डर करी है वो आएगी, ये रेडी हो जाएगा, धनिया काट रखा हूँ। ठीक है, अपने अपने शौक होते हैं यार, ऐसे किसी को जज नहीं करना चाहिए, है ना भाई? मतलब किसी के पास DVDs का होता है कलेक्शन, किसी के पास बुक्स का होता है, तेरे पास माचिस का है, तिलियां नहीं है ना उसके अंदर, सिर्फ खाली है ना वो, तो क्या हो गया? ठीक है यार, सिगरेट पीने के लिए मतलब ऐसा था ना यार, कन्विंस हो जा रहे थे तुम लोग की कूल लगोगे, तू तो नहीं लगता यार कूल, फिर तू कैसे कन्विंस हुआ? बन गया भाई एकदम बढ़िया, रेडी है, चला जा साथ साथ, चल साथ। अबे भोसड़ी गिर जाएगा, गिर जाएगा यार साथ साथ चलना, जा कहाँ रहा है, मिटन दिखता रहना चाहिए। अबे यार ये व्लॉगर, मैं तो दोस्तों मैंने इसके कंधे पे हाथ रख रखा है, मैं गिर जाऊंगा। ये ले पकड़, अब खा अपना रोटी, खोल दो जो हमने मार्केट से मंगाई। चलो यार दोस्तों, तो अब इस मटन को एंजॉय करने का प्लान है, और हम तीनों बहुत खुश हैं क्योंकि हम मटन खा रहे हैं, और सबको नसीब नहीं होता यार ये सब। अगर आपको नसीब हो रहा है मटन, तो अपनी खुश नसीबी को अप्रिशिएट करो और ज़िंदगी जियो। अच्छा मुझे दे। अच्छा चलो दोस्तों, लच्छा पराठा और उसके खा रहे हैं हम, बाय बाय। आज के ब्लॉग में इतना ही, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना अगर अच्छा लगा तो, नहीं अच्छा लगा तो डिसलाइक कर देना, ठीक है? चलो बाय बाय।